अजीब जानवर है ये। ये एक पीस है रहते भाई, अरे पकड़ लेता हूँ मच्छी के अंडे अंदर के। टिंडम बिरयानी के ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, हम आप फिलहाल है फिशिंग हार्बर। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे पूरे मछुआरों के कट्टियाँ खड़े हैं। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे मछलियाँ लाया जाता है। और इधर साइड मेरे पीछे देख सकते हैं कंटेनर, जो बड़े शिप में पार्सल्स आते हैं, कंटेनर्स आते हैं, वो यहीं पर उतरते हैं। यहाँ पर देखिए आप, कश्ती को रिपेयर किया जा रहा। ये क्या है, अजीब जानवर है, अजीब जानवर क्या है भैया, चाहते भी है, अजीब जानवर है ये। ये पूरी मार्केट है भाई मच्छी की, पूरा ताजे ताजे अभी भी कश्ती में से उतर के अभी बिक रहे हैं यहाँ का। यहाँ राइट भाई, बड़े झींगे डेढ़ सौ रुपये किलो का है भाई। कितना छोटा छोटा पीस है देख लो, हमारे डोरेमोन साहब बता रहे हैं। ये कैसा है, कितने का? 1500 वन पीस, साढ़े तीन हजार, साढ़े आठ हजार की। ये एक पीस है कहते भाई, कितनी केजी थी? 300, साढ़े तीन सौ रुपये किलो है कहते। ये साढ़े आठ हजार की एक पीस है कहते। ये देखो भाई, तांबेल के जैसे मच्छियाँ, केकड़े क्या की बोलते हैं ना इसको, कछुआ बोलते हैं इसको, कछुआ नहीं बोलते इसको, केकड़ा बोलते। अरे जिंदा रहते, पकड़ लेते हैं, पकड़ो 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 पकड़ो। ये है केकड़ा, अरे पकड़ लेता हूँ जिंदा है। हमारे सेल्फी भाई समीर भाई, क्या मार्केट में है, मार्केट मच्छी यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है कहते हैं ना, इसका ज्यादा वो है मच्छी का, तो वही देखने आए थे। यहाँ पर भी जो है ना अलग अलग किस्म के झींगे हैं, देखो छोटे वाले, ये बड़े वाले छोटे वाले, बहुत किस्म के मच्छियाँ हैं भाई इधर, इतने टाइप के अलग अलग अलग, हम अभी तक पहली बार देखे यहाँ पे आके, अभी तक नहीं देखे थे। यहाँ भी अलग किस्म के, ये भी आँखा देखो कितना बाहर है, हमारे जलाने पे उठा के बता रहे हो। कितना वेट है जलाने भाई? 12 किलो, 10-12 किलोमीटर, 10-12 किलो का मुंडा है कहते भाई इसका। ये जो है ना, ये रखा हुआ दिख रहा ना, ये मच्छी नहीं होती, मच्छी के अंडे ही अंदर के, ये बड़ी मच्छी काटे सो है, उसके अंदर निकले सो अंडे ही। ये देखिए भाई दांत, देखिए शार्क के दांत देखिए आप पहली बार। को देखो ये कौन से शार्क है, बाहर जाता है, इसकी आंखें किधर है, बाहर जाती है, बिल्कुल मैं पूछता हूं, देखो ऊपर कुछ नहीं है, आंखें इसके साइड में है। ये मछुआरों की बोट है, पकड़ के ले जाते हैं हम ना, गए थे इसमें सुबह के, जो है ना कम हुआ था शिकार हमारा। अभी इंशाल्लाह आप जा रहे हैं कल तक, जो है ना ज्यादा करके लाएंगे, आओ अंदर देखेंगे कैसा रहते हैं लोग, कैसा पकड़ के लाते हैं ये लोग। आए ऑफिस रूम है, ये जाल डालने का से रस्सी यूज करते हैं लोग, पानी में छोड़ते हैं इसको, ये ऑफिस रूम में अंदर लोग का पूरा कंट्रोल टाइम है। आजा इधर, आजा, ओके ना, ओके ओके, आओ आजा।
जो है ये रूम है इधर का जो कैप्टन कैप्टन रूम है इन्हों ही पकड़ के लेते मच्छी हो मच्छी लेके आते हैं इन्हों भाई देखो मच्छी पकड़ता है कब जाते हैं ना यहाँ से अभी कभी कब निकलते हैं शिकार करने के लिए जाके कल आते हैं अच्छा कितना दूर तक जाते हैं यहाँ से अंदर तक कितने किलोमीटर बहुत ज्यादा बहुत दूर 5 किलोमीटर जा रहे हैं 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर जाते हैं 6 किलोमीटर जा रहे हैं अंदर अंदर 5-6 किलोमीटर अंदर जाके लेके आते ये लोग बहुत रिस्की मामला रहता है रात के टाइम पे जो है ना हवा है अभी बारिश में बहुत ज्यादा कल आता रहे 6 बजे का रहे कल अब जाके कल रात को 6 बजे आते कहते नो अभी बारिश का मौसम में लहर ज्यादा आता ना लहर बारिश हुआ तो प्रॉब्लम होता हाँ अभी तो पसीना आ रहा पर अभी जब बारिश होता तब लहर ज्यादा होता ना ज्यादा लहर आता यहाँ पर पूरे सब मछुआरे लोग हैं यहाँ पर कितने कितने बोट्स है देखिए ये जो है ना काटा जो है ना बोट रोकने के लिए काम में लेते हैं इसको पानी में अगर नीचे डालेंगे अपन तो बोट जो है ठहर जाता ये इधर उधर नहीं जाता नीचे डाल रहा है ये रोप बनने का नीचे डाल रहा है ये रोप बन के नीचे डाल रहा है अच्छा रात को सोने का अच्छा रात को सोते वक्त ये लोग ये रस्से जाल नीचे डालता जाल नहीं डालेगा जाल नहीं डालता ये रस्से नीचे डालता अच्छा अच्छा ये रस्सी डाल के जब सोते ये लोग रोटी तो नहीं आता। तो चलिए भाई हम तो आके बता दिया आपको बोट में कैसा रहता बहुत बहुत शुक्रिया ना आपका हमारे से बात करने के लिए चलिए चलते हैं चलो आप हमारे से बात करें ना बहुत अच्छा दिखा शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू थैंक यू ये हम लोग फिर मार्केट में रोड में से बाहर आ रहे हैं मार्केट में निकलते हैं चलिए भाई बोट का भी बोट को भी एक्सप्लोर कर लिया अपन अब यहाँ दिख रहा है यहाँ तो कुछ भीड़ लग रही है तो देखेंगे चलो वहाँ कुछ होगा वीडियो लिया पूरी लेकिन बड़ी है मेरी वीडियो शॉट कर लेना बहुत इधर आओ जी ले रहे तो अच्छा ले तो अभी हम आए हुए हैं आर के बीच पूरे आए तक शाम हो गई तो एक 10 मिनट फिर लेके जाएंगे वो सोच के उतरे यहाँ पर देखिए ये विशाखापट्टनम का सबसे बेहतरीन बीच और सबसे मशहूर बीच है आर के बीच ये हमारे NRI साहब फोटोज ले रहे हैं।